Today we will start a new lesson, The Cactus, a Desert Plant. Do you know, a desert is a large area of land that has very little water and very few plants. Desert, Registan, earth ka ek bada area hai jisme bahut kam pani hota hai aur desert mein bahut kam plants hote hain. Okay, now we will start the lesson. The cactus is a desert plant. It is a plant that has no leaves. It has only a fleshy stem. The stem is covered with prickly spines. Kya hai? The cactus is a desert plant. मतलब ये cactus एक desert plant है जो सिर्फ रेगिस्तान में होता है. It is a plant that has no leaves. और ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई लीव्स पत्तियाँ नहीं होती है. लीव्स नहीं होती है. इट हैज ओनली ए फ्लैशी स्टेम. द स्टेम इज कवर्ड विद प्रिकली स्पाइंस. इसका केवल एक स्टेम होता है, लीव नहीं होता है. इसका स्टेम कार्टोम से कवर किया गया है, मतलब स्पाइंस के साथ कवर किया गया है. Cacti grow on deserts and other dry places. During the rainy season, their long roots take up moisture and store it in their stems. These stems have thick, hard walls. They are spongy inside. On the outside, they have a waxy coating. It makes these plants waterproof. क्या है? Cacti grow on deserts and other dry places. एक cactus है तो, एक plant है तो, cactus कहते हैं. अगर बहुत सारे कैक्टस के प्लांट हैं तो हम कैक्टी कहते हैं. क्या है? कैक्टी. कैक्टी जो है वो डेसर्ट में और जो सूखी जगहें होती हैं उन पर, वहाँ पर लगते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर लॉन्ग रूट्स टेक अप मॉइस्चर एंड स्टोर इट इन देयर स्टेम्स. कैक्टी जो होते हैं वो रेनी सीजन में अपने रूट्स में मॉइस्चर कलेक्ट करके और अपनी स्टेम्स में स्टोर कर लेते हैं. दीज स्टेम्स हैव थिक हार्ड वॉल्स. दे आर स्पॉन्जी इनसाइड. ये स्टेम मोटे और हार्ड वॉल्स के होते हैं और अंदर से बहुत स्पॉन्जी होते हैं. ऑन द आउटसाइड दे हैव ए वॉक्सी कोटिंग. इट मेक्स दीज प्लांट्स वाटरप्रूफ. इनके बाहर एक वैक्स कोटिंग रहते हैं जिससे जो पानी की बूंद इसके ऊपर आती है तो इसके अंदर नहीं, इसके बेहतर नीचे गिर जाती है. वैक्सी मतलब वैक्स जैसे एक कोटिंग इसके ऊपर रहते हैं जिसे जो प्लांट्स को वाटरप्रूफ बनाती है. द कैक्टस प्लांट्स डोंट हैव एनी लीव्स. इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव स्पाइंस. Each plant can have as many as 50,000 spines. These spines save the plant from desert animals. The cactus plants don't have any leaves. Instead of leaves, they have spines. Is plant ke paas koi patti nahi hoti, leaves nahi hoti. Leaves ke jagah bahut sare kaante hote hain, spines hote hain. Each plant can have as many as 50,000 spines. These spines save the plant from desert animals. और ये जो spines हैं 50,000 के around एक plant के पास spines होते हैं और ये spines plants को desert animals से बचाता है. The cactus is a curious looking plant. It is unlike any other plant. Some plants of this family are very tiny. Some grow 15 meters high. The cactus is a curious looking plant. It is unlike any other plant. Cactus family में अलग अलग दिखने वाले पौधे होते हैं. Some plants of this family are very tiny. Some grow 15 meters high. कुछ जो है वो 15 meters भी grow होते हैं, कुछ जो है वो बहुत छोटे छोटे भी होते हैं. In shape, these plants can have many different forms. They can be like trees, pipes, barrels, candles, hats, torches, caterpillars or pieces of machinery. ये किसी भी तरह के शेप में हो सकते हैं. ट्री के शेप में, पाइप्स, बैरल्स, कैंडल्स, हैट्स,
टॉर्चस, कैटरपिलर्स, मशीन के पीस के शेप में किसी भी तरह के हो सकते हैं। ए चोला कैक्टस हैज द मोस्ट प्रिकली स्पाइंस। दीज स्पाइंस कम ऑफ सो इजली दैट दे सीम टू जंप एट पासेस बाय। पैक रैट्स पाइल अप चोला स्टेम्स एट द एंट्रेंस ऑफ देयर बरो। द स्टेम्स प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम इन्वेडर्स। ए चोला कैक्टस हैज द मोस्ट प्रिकली स्पाइंस। जो चोला कैक्टस है उसमें बहुत छोटे छोटे स्पाइंस काटे होते हैं। दीज स्पाइंस कम ऑफ सो इजली दैट दे सीम टू जंप एट पासेस बाय। पैक रैट्स पाइल अप चोला स्टेम्स एट द एंट्रेंस ऑफ देयर बरो। द स्टेम्स प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम इन्वेडर्स। पैक रैट्स ये एक चूहा है, इसके लंबे लंबे टेल होते हैं। पैक रैट्स अपने घर के एंट्रेंस पर चोला कैक्टस के स्टेम्स रखते हैं। ये जो स्टेम्स उनका अपने घर को एनिमीज से, दूसरे एनिमल्स से बचाता है। ए सेगुआरो कैक्टस इज लाइक ए ट्री। इट हैज ब्रांचेस दैट ग्रो अपवर्ड। द स्टेम इज प्लीटेड लाइक एन अकोडियन। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर। इट प्रोड्यूसेस वाइट फ्लावर्स फॉलोड बाय रेड फ्रूट्स। क्या है, ए सेगुआरो कैक्टस इज टॉल लाइक ए ट्री। सेगुआरो कैक्टस एक ट्री के तरह बहुत लंबा होता है। इट हैज ब्रांचेस दैट ग्रो अपवर्ड, और उसकी जो ब्रांचेस है वो ऊपर की तरफ उगती है। द स्टेम इज प्लीटेड लाइक एन अकोडियन। सेगुआरो कैक्टस का स्टेम अकोडियन की तरफ होता है। अकोडियन मतलब इट इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज फॉल्स विच वेन प्रेस्ड प्रोड्यूस साउंड। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर। इट प्रोड्यूसेस वाइट फ्लावर्स फॉलोड बाय रेड फ्रूट्स। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है। इसमें वाइट कलर की कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें रेड कलर की फ्रूट्स भी आते हैं। ए बैरल कैक्टस इज फैट एंड राउंड इन शेप। इट इज कवर्ड ऑल ओवर विथ स्पाइंस। थाउजेंड्स ऑफ रूट्स स्प्रेड आउट अंडर द ग्राउंड। द रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड टेक इट टू द बैरल अबव। Like the saguaro, its sides stretch to store water. The sides shrink as the water is used up. Listen, a barrel cactus is fat and round in shape. Barrel cactus round or fat sa mota sa hota hai. It is covered all over with spines. Aur ye pure kaanton se bhara hua hota hai. Thousands of roots spread out under the ground. और इसके नीचे, जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा रूट्स होता है। द रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड टेक इट टू द बैरल अबव। रूट्स पानी कलेक्ट करती है और इसे ऊपर जो मोटा फैट प्लांट होता है उसमें स्टोर करता है। लाइक द सेगुआरो, इट्स साइड्स स्ट्रेच टू स्टोर वाटर। द साइड्स श्रिंक एज द वाटर इज यूज्ड अप। सेगुआरो की तरह इसके स्टेम के साइड पानी को स्टोर करने के लिए बड़ा हो जाता है, और पानी के उपयोग करने के बाद साइड्स छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। देर आर ओवर 2000 टाइप्स ऑफ कैक्टस। ईच टाइप हैज ए स्पेशल वे टू स्टोर वाटर। सी, देर आर ओवर 2000 टाइप्स ऑफ कैक्टस है, और कैक्टस अलग अलग तरीके से अपने अंदर पानी अब्सॉर्ब करते हैं या स्टोर करके रखता है। द कैक्टस फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्रिलियंट इन कलर। दे ग्रो सिंगली। ए कैक्टस ब्लूम्स ओनली वंस एवरी 5 years। द कैक्टस फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्रिलियंट इन कलर। कैक्टस के फूल बड़े और अच्छे कलर में होते हैं। दे ग्रो सिंगली, वे अकेले बढ़ते हैं। ए कैक्टस ब्लूम्स ओनली वंस एवरी 5 years। 5 साल में सिर्फ एक बार इस प्लांट्स में फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं। द कैक्टस प्लांट्स व्हेन दे ब्लूम फिल द डेजर्ट विद ए फीस्ट ऑफ कलर्स, येलो, रेड, रोज एंड वाइट। जब फ्लावर का समय आता है, कैक्टस प्लांट्स डेजर्ट को अलग अलग कलर से भर देते हैं, येलो, रेड, रोज एंड वाइट। इसे अलग अलग कलर में
भर देते हैं. सम कैक्टी आर ग्रोन फॉर देयर ज्यूसी फ्रूट्स. दे आर यूज इन मेकिंग मेडिसिन ऑल्सो. कैक्टी हैड जस्ट सर्व अस गुड बैरियर्स. कुछ प्लांट्स जो होता है कैक्टस प्लांट्स, उनकी फ्रूट्स हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं. कैक्टस प्लांट्स बैरियर के लिए भी यूज़ करते हैं. हेडजेस मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो पास पास लगे हुए हैं, जिनके बैरियर लगा हुआ, उनका कहते हैं हम हेडजेस. मतलब पास 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 कैक्टस लगे हुए होते हैं, उन्हें हम कैक्टी हेडजेस कहते हैं. क्या है? कैक्टी हेडजेस. Many people love to grow cacti in their homes. To have the best results, a cactus should be planted among broken bricks, lime and sand. It should be watered only once in 2 or 3 weeks. क्या है? Many people love to grow cacti in their homes. बहुत सारा लोगों को cacti अपने घर में लगाना पसंद होता है. To have the best results, a cactus should be planted among broken bricks, lime and sand. Best results के लिए cactus को bricks, lime और sand के बीच में लगाया जाना चाहिए. It should be watered only once in 2 or 3 weeks. Cactus जो है उसे 2 या 3 हफ्ते में एक बार हम पानी दे सकते हैं. It should be watered only once in 2 or 3 weeks. Okay, that's it. That's all about cactus. Thank you so much for listening.